हेलो गाइस, मैं प्रशांत सिंह, आपके फेवरेट चैनल सुपर 90 क्लासेस में। आज हम क्लास 10th के मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर के अदर रिमेनिंग बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे वर्क करेंगे। तो गाइस, क्या प्रोसीजर है, किस मैनर में हमें इन चीजों को लेकर के आगे बढ़ना है? वी मस्ट हैव टू फोकस ऑन दीज पार्ट्स। तो गाइस, यहां पर आप देख सकते हैं, आप बात कर रहे हैं रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स में लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रॉपर मैनर में यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में स्टडी किया था। अब आज की क्लास में वर्क करेंगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे। तो अगर स्टैंडर्ड सेकंड की बात करते हैं, जिसमें हम एक बेसिक स्टैंडर्ड को पिक करेंगे, तो इसमें हम जान सकते हैं कि अगर हमें कोई टू नंबर्स दिए जाते हैं ए एंड बी, देयर आर टू नंबर्स ए एंड बी, एंड एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर्स हैविंग अ फिक्स वैल्यू एंड एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर्स आल्सो हैविंग अ फिक्स वैल्यू। तो आप यहां पर देख सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी यानी ए इंटू बी मस्ट बी इक्वल्स टू, या फिर आप इसे लिख सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ए इंटू बी मस्ट बी इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर्स। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा बच्चों आपका, जिसमें आपको इस चीज को जानना है कि रियल नंबर्स को किस मैनर में आप लेकर के प्रोसीड करेंगे। तो गाइज, यहाँ पर कुछ चीजें हम लोग मिस कर रहे हैं। इन चीजों को अगर हम लेकर के एक फेवरेबल ऑर्डर में मूव करेंगे, तो हम इस चीज को प्रॉपर मैनर में समझ सकते हैं कि हम कहाँ पर इस पार्ट को लेकर के लीव कर रहे हैं। तो इस चीज को गाइज अगर हम देखना चाहेंगे, तो अगर आपके पास एग्जांपल दिया जाता है 12 एंड 18, 12 एंड 18 देयर आर टू नंबर्स, अब अगर आप इसको लेकर के चल रहे हो, तो आपको कहा जाता है कि इस फार्मूले से इसको वेरीफाई करना है। तो इसके वेरिफिकेशन में आपको क्या चीजें करनी होंगी, ध्यान दीजिए। आप सबसे पहले इनका एलसीएम निकालोगे। तो जब इनका एलसीएम फाइंड आउट करोगे, तो 12 एंड 18, तो यहां पर जब इसे सॉल्व करेंगे, 6 दिस इज 9 अगेन 3 दिस इज 9 अगेन 3 एंड 3, देन तो एलसीएम आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36। यानी अगर आपको इन दोनों नंबर्स का एलसीएम निकालना है, एलसीएम ऑफ 12 एंड 18, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 कितना हो जाएगा आपके पास, 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा, 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36। वेरी गुड। अब अगर इनके एचसीएफ की बात करते हैं, तो प्रैक्टिकली आप सिर्फ इनके फैक्टर्स को लिख दो, 2 इंटू 2 इंटू 3, एंड 18 के केस में 2 इंटू 3 इंटू 3। अब कॉमन फैक्टर अगर आप निकालोगे, तो आपको ये मिलेगा, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब वो फैक्टर जो दोनों में कॉमन हो और जिनका प्रोडक्ट क्या हो, मैक्सिमम, यानी वो मैक्सिमम नंबर जो दोनों में एज अ फैक्टर मिल रहा हो। तो एचसीएफ क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पर, 2 इंटू 3 दैट इज इक्वल्स टू 6। तो अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहोगे, तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हो कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आर 12 इंटू 18। तो 12 इंटू 18 की वैल्यू को जब गाइज आप लेकर के चलोगे, तो यहां पर आपको जो मिलेगा, 12 8 जा, यहां पर आप लेकर के चलोगे, तो आप सीधे सीधे इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, तो यहां पर आपको मिलेगा 6 1 एंड कैरी 1 216। कितना मिल गया गाइस आपको यहाँ पर, 216। और फिर से सेकंड पार्ट में आप लेकर के चलोगे, तो एलसीएम की वैल्यू है 36 एंड एचसीएफ की वैल्यू है आपके पास अगेन 6, तो 36 इंटू 6 दैट इज आल्सो इक्वल्स टू 216। तो यहां पर आप देख सकते हो, दोनों का ही आपका जो आंसर आ रहा है, दैट इज सेम। तो जब ये दोनों आंसर्स आपके सेम हैं, तो श्योरली आप कह सकते हैं दिस फार्मूला इज प्रॉपरली करेक्ट। अब उसके बाद देखिए, इस चीज को हम
इस तरीके से नहीं लेकर के चलते हैं। मींस क्वेश्चंस जो वर्ड्स पे हम लोगों के यहाँ आते हैं वो इस तरीके से पिक नहीं किए जाते हैं, इनका स्टैंडर्ड थोड़ा सा डिफरेंट होता है, अलग पैटर्न होता है। जैसे आपको दे दिया गया एक क्वेश्चन सिंपल सा, इफ एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, कोई भी टू नंबर्स आपको दे दिए गए, फॉर एग्जाम्पल आपने मान लिया 18 एंड आपको दे दिया गया एचसीएफ ऑफ 18 एंड 36 इक्वल्स टू 18। आपको बताया गया कि 18 एंड 36 का जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो कितना है 18 है, देन यू हैव टू फाइंड द एलसीएम, आपको एलसीएम फाइंड आउट करना होगा। तो यहां पर आप इसी फार्मूले का यूज करोगे, a into b that is equals to LCM into HCF, apply करिए, first number is 18, second number is 36, LCM we have to find and HCF की value 18, तो आप देख सकते हो यहाँ पर LCM की value practically क्या मिल जाएगी 36, ये काफी easy सा part था। अब उसके बाद इसी का एक छोटा सा example बच्चों आपको और दिया जाता है, उस example में आपसे कहा जा रहा है कि आपके पास two numbers है 28 एंड 32, देयर आर टू नंबर्स। अब आपसे कहा गया फाइंड द एचसीएफ ऑफ दीज नंबर्स, इन नंबर्स का क्या करेंगे आप, एचसीएफ फाइंड आउट करिए और फिर इस फॉर्मूले का यूज करते हुए आप उनका एलसीएम भी डिटरमाइन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ के लिए आप चाहे डिवीजन रूल का यूज करिए या फिर फैक्टर प्रोसेस का। तो 28 का जो फैक्टर होगा दैट इज इक्वल्स टू 2 into 2 into 7 एंड 32 का जो फैक्टर होगा दैट इज इक्वल्स टू 2 into 2 into 2 into 2, देयर आर 5 टाइम्स 2। अब यहां पर जब इनका एचसीएफ निकालोगे तो एचसीएफ के लिए जो कॉमन फैक्टर आपको मिल रहा है बच्चों उन्हीं को आप लिख लीजिए, तो 1 2 आपको ये मिला और 1 2 आपको मिला, बाकी से हमारा कोई मतलब नहीं है। तो 2 into 2 आपको एचसीएफ कितना मिला 4। अब by using this formula you have to find the LCM। तो यहाँ पर देखिए formula होता है product of two numbers and there are two numbers, यहाँ पर लिखेंगे by using formula, by using formula आप यहाँ पर देख सकते हो 28 and 32 का आपने यहाँ पर product कर दिया। जब आपने 28 एंड 32 का प्रोडक्ट किया दैट मस्ट बी इक्वल्स टू एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर्स, यानी प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर्स, एंड एचसीएफ क्या मिला है आपको यहाँ पर 4। तो आप यहाँ पर एलसीएम को प्रूट करिए और एचसीएफ की प्लेस पर 4 रखिए। जब आप एलसीएम निकालने के लिए जाओगे तो 28 into 32 divided by 4 सॉल्व करिए, यहाँ पर आपको 7 मिल जाना है। सॉल्व करेंगे 7 2 14, 7 3 21 22, तो एलसीएम की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी 224। तो यहाँ पर ये एक सिंपल सा क्वेश्चन होता है जिस क्वेश्चन को एक सिंपल मैनर में ही आपको सॉल्व करना होता है, उसमें फर्दर किसी भी तरीके के किसी भी वेरिएशंस की रिक्वायरमेंट या नीड नहीं होती है। तो गाइज वी आर मूविंग हियर ऑन द सेकेंड पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज जिसमें हमें कुन फिक्स नंबर्स की इरेशनलिटी को प्रूफ करना होता है। हमें ये चेक करना होता है कि वो नंबर्स आपके इरेशनल हैं और किस तरीके से उनकी प्रूविंग्स पे वर्क किया जाएगा। तो इरेशनल नंबर्स को प्रूफ करने के लिए गाइस देयर आर ओवरऑल 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, लेट अस प्रोसीड ऑन दोस पार्ट्स। तो बच्चों सबसे ज्यादा मैथ्स को सॉल्व करने के लिए जरूरी होता है क्वेश्चंस के पैटर्न्स को समझना, क्वेश्चन किस तरीके से आपके पास तक आ रहे हैं और उन क्वेश्चन को किस बेसिस पे आपको सॉल्व करना है। जैसे अगर मैं इरेशनलिटी की बात करता हूं तो इरेशनलिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है ये काफी हद तक आपके लिए जरूरी होगा। तो आप देख सकते हैं इरेशनल नंबर्स की प्रूविंग, तो देखिए आपके पास क्वेश्चंस हो सकते हैं 3 टाइप्स के। फर्स्ट टाइप आपके पास होता है जहां पर अंडर रूट ए टाइप का क्वेश्चन होगा और आपको प्रूव करना होगा दिस नंबर इज इरेशनल नंबर, ये नंबर आपका इरेशनल होगा आपको प्रूव करना होगा। सेकंड टाइप का क्वेश्चन आपके पास आता है अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी टाइप का,
अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी टाइप का, और थर्ड होता है आपका ए प्लस अंडर रूट बी टाइप का। तो बच्चों इस चीज को समझना काफी हद तक आपके लिए रिक्वायर्ड है कि इन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इस चीज को। जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है यहां पर अंडर रूट फाइव के लिए, अंडर रूट फाइव को आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट अंडर रूट फाइव इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। नाउ वी हैव टू सॉल्व इट। हम यहां पर कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड को यूज करते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड को यूज करते हैं, जिसमें हमें जो भी प्रूफ करना होता है उसका अगेंस्ट हम लेकर के चलेंगे। अगेंस्ट का मतलब क्या हुआ, हमें इरेशनल प्रूफ करना है तो इसका अपोजिट हम लेकर के चलेंगे और इस नंबर को हम रेशनल मान लेंगे। तो देखिए आपने यहां पर इसका सोल्यूशन कुछ इस तरीके से स्टार्ट किया, लेट अंडर रूट फाइव इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर का प्रोसीजर क्या होगा, ऑल द रेशनल नंबर्स कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, क्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, पी एंड क्यू आर को प्राइम, आर को प्राइम्स। को प्राइम्स का मतलब क्या होता है, पी एंड क्यू स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन के फॉर्म में होने चाहिए तभी ये आइडियल रेशनल नंबर होगा। मींस इनका एचसीएफ कितना होना चाहिए आपका, वन। चलिए साइड में हम जल्दी से इस कॉन्सेप्ट पे भी वर्क कर लेते हैं। बच्चों को प्राइम नंबर्स आर पेयर ऑफ टू नंबर्स इन विच जस्ट वन इज कैन बी टेकन एज कॉमन, यानी दो नंबर, ऐसे दो नंबर्स का पेयर जिसमें आप सिर्फ वन को एज अ कॉमन ले सकते हैं, दैट इज नोन एज को प्राइम नंबर। तो आप यहां पर देखिए, मान लीजिए आपको 15/3 का कॉन्सेप्ट दिया गया, 15/9 का। तो अगर आपसे कहा जाए कि दीज आर स्टैंडर्ड रेशनल नंबर्स, तो आप देख सकते हो कि ये स्मॉलेस्ट पार्ट में नहीं है, आप इन्हें 3 से डिवाइड करोगे देन इट कैन बी रिटन एज 5/3। तो ये आपके को प्राइम नंबर्स हैं और यही आपके स्टैंडर्ड रेशनल नंबर्स भी होंगे। ये भी रेशनल है बट दे कैन नॉट बी टेकन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, ये आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में माने नहीं जाएंगे। तो गाइज यहां पर ये एक सिंपल सा टास्क आपको मिला जिस टास्क पे हमें वर्क करना है। तो हमने यहां पर इनको रेशनल नंबर मान लिया और रेशनल नंबर मान करके ये भी बता दिया कि दीज आर को प्राइम नंबर्स। अब आपको करना क्या है, यहां पर आपको समझना है कि आपका जो ये फर्स्ट इक्वेशन है इसको आप स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना, स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड्स। तो जब आप करेंगे तो अंडर रूट फाइव का स्क्वायर आपका हो जाएगा 5 एंड इट कैन बी रिटन एज पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। और जब आप इसको लिखेंगे तो आप लिख सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करके पी स्क्वायर इक्वल्स टू 5q स्क्वायर। अब आप देखिए अगर आप इस नंबर पे फोकस करें तो इसमें 5 एज अ मल्टीप्लायर है, तो यहां पर अगर 5 मल्टीप्लायर है, 5 से ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस पूरे नंबर को आप किससे डिवाइड कर सकते हो, 5 से। तो आप लिखेंगे 5q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई फाइव, और इसके इक्वल ही आपका पी स्क्वायर है, तो पी स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। आपने सबसे पहले 5q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, आफ्टर दैट पी स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। अब अगर पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, यानी किसी नंबर का स्क्वायर अगर किसी से डिविजिबल है तो श्योरली दैट नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाई दैट नंबर। कहने का मतलब ये रहा कि अगर आप किसी नंबर को ले रहे हैं, मान लीजिए 15 स्क्वायर आपने लिया, अगर 15 स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, तो बच्चों 15 का अंडर रूट में भी तो आपका 15 आ ही रहा है, तो श्योरली ये भी आपका जो होगा बच्चों क्या होगा, इसका अंडर रूट भी 5 से डिविजिबल होगा। यानी कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी एक से डिविजिबल है, यानी जैसे p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, देन श्योरली p इज आल्सो डिविजिबल बाय
डिविजिबल बाई 5, p भी आपका जो होगा दैट मस्ट बी डिविजिबल बाई 5। काफी हद तक ये रिक्वायर्ड होता है कि ये कंडीशंस आपकी फॉलो होंगी। और अगर p आपका डिविजिबल बाई 5 है तो p श्योरली 5 का कोई ना कोई मल्टीपल होगा। तो लेट अगेन p इक्वल्स टू 5 m, m ले लिया, k ले लिया, जो भी आपको ज्यादा फेवरेबल लगे। और फिर से इस इक्वेशन को स्क्वायर कर दिया तो p स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर 25 m स्क्वायर। यहां पर हमने क्यों रखा इसको p इक्वल्स टू 5 m, क्योंकि आपने यहां पर निकाला p इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। अगर p डिविजिबल बाय 5 है तो आपने यहां पर ले लिया लेट अगेन p इक्वल्स टू 5 m, और m इज एनी इंटीजर, m इज एनी इंटीजर, यहां पर m आपका जो होगा कोई एक इंटीजर होगा, क्योंकि ये 5 का मल्टीपल होगा तभी ये 5 से डिविजिबल हो पाएगा। स्क्वायरिंग करने पर बच्चों ये मिला। फर्स्ट इक्वेशन से अगर आप देखोगे तो p स्क्वायर की प्लेस पर आप 5q स्क्वायर रखोगे, 5q स्क्वायर इक्वल्स टू 25m स्क्वायर, 5 से आप इसे कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा q स्क्वायर इक्वल्स टू 5m स्क्वायर। अब यहां पर देखिए q स्क्वायर इक्वल्स टू 5m स्क्वायर, तो जब ये आपका 5m स्क्वायर के इक्वल है तो अगेन 5m स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। बच्चों 5m स्क्वायर भी आपका 5 से डिविजिबल होगा, और इसी के इक्वल आपने q स्क्वायर ले रखा है तो q स्क्वायर इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। एट लास्ट अगर q स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो q इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। अब आप यहां पर देख सकते हो p इज डिविजिबल बाय 5 एंड q इज आल्सो डिविजिबल बाय 5, P and Q both are divisible by 5। आपका P and Q जो है वो दोनों ही आपके 5 से divisible हैं। बच्चों लेकिन यहां पर आपको बताया गया था कि P and Q must be co-prime, यानी उनका HCF क्या होना चाहिए 1। लेकिन अगर दोनों ही 5 से divisible हैं तो HCF क्या आ गया 5। तो आप बता सकते हैं P and Q are not co-prime। अगर ये co-prime नहीं है तो हमारा contradiction, हमारा जो assumption था that was contradicted। यानी आप बता सकते हैं our assumption was wrong, या फिर इसी को लिख सकते हैं this answer contradict our assumption, our assumption was wrong or this answer contradict our assumption, thus root 5 is an irrational number। तो बच्चों यहां पर हमने irrationality को बहुत ही proper manner में हमने यहां पर इसको एक्सप्लेन किया। लेट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर, आपने उसका जस्ट अपोजिट ले लिया। अब इसकी जगह पर कोई अदर नंबर हो सकता है, दैट मस्ट बी रूट 5 की जगह पर रूट 7 हो सकता है, रूट 11 हो सकता है, रूट 2 हो सकता है, रूट 3 हो सकता है, जो भी नंबर होगा बस रूट 5 की प्लेस पर आप उसी को रखते जाएंगे और एट लास्ट में HCF आपको वही नंबर मिलेगा जो अंडर रूट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। तो गाइस यहां पर एक सिंपल मैनर में आपको ये बताया गया कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपके पास प्रोसीजर क्या होता है, किस ट्रिक के बेसिस पे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो और किस पैटर्न पे आप इसको लेकर के आगे चलोगे। तो गाइस यहां पर आपने इस चीज को अच्छे से समझ लिया है। अब हम इसी के सेकंड पार्ट पर चल रहे हैं जिसमें हमें इस चीज को अच्छे से समझना है कि हम इसको कैसे सॉल्व आउट करेंगे। तो देखिए जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है यहां पे, अगर आप एक क्वेश्चन को यहां पर देखिए जिसमें बिल्कुल गाइस म्यूजिक का आप यूज करते रहें क्योंकि म्यूजिक आपके ब्रेन को प्रॉपर मैनर में अकोमोडेट करने का वर्क करता है, बैलेंस करने का वर्क करता है, आपका ब्रेन कभी भी ओवर एग्जास्ट नहीं होगा। चलिए ठीक है, सेकंड टाइप का क्वेश्चन आपको दिया जाता है अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी टाइप का। तो यहां पर देखिए आपको करना क्या होता है, सिंपल सा वर्क होता है। अगर आपको यहां पर दे दिया गया रूट टू प्लस रूट थ्री, तो आप फिर से इसे क्या करते हैं, लेट रूट टू प्लस रूट थ्री इज अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर।
तो आपने फिर से क्या कर दिया इसे, रूट टू प्लस रूट थ्री दोनों को क्या कर दिया आपने, पी बाई क्यू कर दिया। अगर ये रेशनल है तो श्योरली इसका होल स्क्वायर भी रेशनल होना चाहिए, तो दोनों साइड में आपने क्या कर दिया यहां पर होल स्क्वायरिंग कर दी, और होल स्क्वायरिंग करते ही आपको यहां पर ये रिजल्ट मिल गया। आपने a प्लस बी को एक्सपेंड किया होल स्क्वायर को, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी टू अंडर रूट सिक्स। सॉल्व इट गाइस, पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, इस फाइव को इधर शिफ्ट करिए, तो टू अंडर रूट सिक्स इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस फाइव, और रूट सिक्स की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये क्यू ऊपर जाएगा, पी स्क्वायर माइनस फाइव क्यू स्क्वायर अपॉन ये टू नीचे जाएगा टू क्यू स्क्वायर। अब देखिए, अगर ये नंबर आपका रेशनल था तो इन दोनों का स्क्वायर भी प्रॉपर मैनर में रेशनल होना चाहिए, और फिर कुछ भी आइडिया सब्सट्रैक्ट करो आपका ये पूरा का पूरा रेशनल ही रहना चाहिए। बट यहां पर क्या हो रहा है, एट लास्ट आपको एक कंक्लूजन मिला जिसमें रूट सिक्स आपका इरेशनल है एंड ये पार्ट जो आपका सेकंड एलएचएस दिया गया है आरएचएस दिया गया है दैट इज रेशनल, और दोनों को क्या दिखाया गया है इक्वल। तो यहां पर सिंपली आप बता सकते हो एलएचएस इज रेशनल इरेशनल बट आरएचएस इज रेशनल, बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, दोनों ही किसके इक्वल हैं एक दूसरे के, बट आपको पता है कि प्रैक्टिकली कभी भी रेशनल नंबर इरेशनल के इक्वल नहीं हो सकता, तो आप सीधे सीधे यहां पर बताएंगे बट रेशनल नेवर इक्वल्स टू द इरेशनल नंबर, रेशनल कभी भी आपका इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं होगा, दस दिस रिजल्ट कॉन्ट्राडिक्ट आवर अजम्पशन, ये रिजल्ट जो है वो हमारे अजम्पशन को क्या कर रहा है कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। Assumption, then root 2 plus root 3 is an irrational number. बच्चों अगर आप चाहें तो इसको भी बिल्कुल इसी प्रोसेस पे सॉल्व कर सकते हैं, अगर 2 plus root 3 आपको मिलता है तो आप बिल्कुल इसी तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं, बट इसका एक प्रोसीजर ये भी होता है कि आप बिना किसी भी तरीके से इसका स्क्वायर किए हुए भी इसे एक सिंपल मैनर में आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे अगर आपको दिया गया 2 प्लस रूट 3 तो आप इसे भी क्या कर लेंगे रेशनल के इक्वल मान लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा गाइस आपका p बाई क्यू, और इसमें कुछ भी नहीं करना, अगर ये रेशनल है तो दोनों में से 2 को सब्सट्रैक कर दीजिए तो भी ये रेशनल ही रहेगा। जब आप 2 को सब्सट्रैक करेंगे तो p बाई क्यू माइनस 2 आएगा, जिसको आप लिख सकते हैं फिर से p माइनस 2 क्यू बाई क्यू। यहां पर देखिए ये फिर से आपको इरेशनल मिला और यहां पर फिर से आपको रेशनल मिला, तो रेशनल और इरेशनल में आपको सेम डिफरेंस मिल जाएगा, यानी दोनों फिर से इक्वल हैं बट इनको इक्वल नहीं रखा जा सकता है। तो जब इनको इक्वल नहीं रख सकते हैं तो श्योरली हम इनको प्रॉपर मैनर में क्या करेंगे अनइक्वल दिखा करके, आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग या दिस रिजल्ट कॉन्ट्राडिक्ट आवर अजम्पशन and this is an irrational number। तो बच्चों यहाँ पर ये irrationality prove करने का एक fixed procedure रहा। कुछ बच्चों की mind में आता है कि अगर हमको कुछ ऐसा दे दिया गया तो हम क्या करेंगे 1/√7। बच्चों इनको भी आप क्या कर लोगे पी बाई क्यू रखोगे, बस यहाँ पर reciprocal करके आपको solve करना रहेगा, आपको मिलेगा q square equals to 7 p स्क्वायर, मतलब आपको बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना होगा, आपको आपका रिजल्ट प्रॉपर मैनर में मिल जाएगा। बाकी इनके लेवल 3 के जो क्वेश्चंस होंगे बच्चों वो हम लोग एक्सरसाइज की ड्यूरेशंस पे करेंगे, जिसमें हमें किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। तो यहां पर इरेशनलिटी के कांसेप्ट को आई होप सो आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, इनके क्वेश्चंस को आप ट्राई करेंगे और ट्राई करने के बाद आप अपनी प्रॉब्लम्स को कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, जिससे आपकी प्रॉब्लम्स प्रॉपर मैनर में हमारे पास तक पहुंच पाएंगी। चलिए
अब इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। ये क्वेश्चंस हालांकि इत्तू से होते हैं, मींस बहुत छोटे होते हैं, बट फिर भी इफ वी आर ट्राइंग टू कंप्लीट द चैप्टर, हमें कॉन्सेप्ट्स को तो लेकर चलना ही पड़ेगा बच्चों। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहली चीज आपको दी जाती है, कोई एक नंबर का आपको एक ग्रुप दे दिया जाता है कुछ इस तरीके से, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 और प्लस 4 कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो आपसे कहा गया कि प्रूव दैट, या फिर यहां पर 3 कर दिया, कहा गया प्रूव दैट इट इज अ कंपोजिट नंबर। ये क्या होगा आपका कंपोजिट, को सबसे पहले कंपोजिट को समझ लेना जरूरी है। सबसे पहले आपको कंपोजिट को जान लेना जरूरी है। तो कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं बच्चों, इनिशियल क्लास में हम लोगों ने एक बार पढ़ा था इसको, फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रॉपर मैनर में इसको समझा था, ऑल्दो वी आर अगेन डिस्कसिंग ऑन दिस। तो कंपोजिट नंबर्स का मतलब होता है द नंबर विच हैव मोर देन टू फैक्टर्स, यानी प्राइम नंबर्स के अलावा जो भी नंबर्स होते हैं ऑल दोज आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। तो जो भी नंबर्स आपके प्राइम नंबर्स के अलावा होते हैं वन को लीव करके, वो सभी के सभी नंबर्स क्या होते हैं आपके कंपोजिट नंबर्स। तो आपको प्रूव करना है कि दिस सीक्वेंस हैव मोर देन टू फैक्टर्स। तो देखिए, आप इसके सॉल्यूशन पे वर्क कर रहे हैं, तो जब आप इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो यहां पर देखिए इस पूरा का पूरा पार्ट कितने टर्म्स ओवरऑल दिख रहे हैं बच्चों। तो यहां पर आप देख सकते हो दिस इज द फर्स्ट टर्म एंड दिस इज द सेकेंड टर्म, ये फर्स्ट टर्म है और ये आपका सेकंड टर्म है। तो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में क्या कुछ कॉमन मिल रहा है आपको, तो निश्चित तौर पे अब आप कहेंगे नहीं देयर आर मोर देन टू टर्म्स 1 2 3 4 5, ना बिल्कुल नहीं भाई, टर्म्स आर ऑलवेज सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस सिंबल, प्लस और माइनस से ही टर्म्स आपके सेपरेट किए जाते हैं। तो आप यहां पर देखिए, आपको ये 3 फर्स्ट टर्म में भी मिल रहा है और लास्ट टर्म में भी मिल रहा है, तो आप यहां से 3 को कॉमन ले लीजिए। जब आप 3 को कॉमन लेंगे तो आपको क्या मिलेगा,